नाना को खाना खिलाया, उनको पानी देके आओ और उनको बताओ कि नाना मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करनी है आपने। तो आज जो है ना, मैं तुम लोग को मिलवा ही देता हूँ, ये है हमारी नानो। ये हमारी नानो है, कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अमला जी। और यार फाइनली आपके भाई ने कपड़े जो है नए पहन लिए। भाई डक्की भाई ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, ये न्यूज होनी चाहिए, हेडलाइंस में आनी चाहिए, अखबारों में आनी चाहिए, वरना तुम लोग को पता है कि एक ही शर्ट 10-10 व्लॉग के अंदर रिपीट होके गंदी मंदी होके उसमें से जब पॉटी की स्मेल आना शुरू रहती है तब जाके आपका भाई जो है ना कपड़े चेंज करता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, इतना भी गंदा मंदा नहीं है आपका भाई। असल में नए कपड़े लेने का जो है ना टाइम नहीं मिलता यार, तुम लोग को पता है टाइम इज मनी। अब मैं 15 मिनट नहाने जाऊँ तो 15 मिनट तो जाया हो गए ना यार, इसके लिए 15 मिनट और कोई काम आपका भाई लैपटॉप कर सकता है ना, ऐसा ही है भाई। टाइम इज मनी है भाई, इसलिए मैं नहाता नहीं हूँ, मुझे पागल ना समझना भाई। चुप कर बे कुत्ते। और जब तुम नहाते हो तो इतनी तुम्हारे अंदर से मैल निकलती है, पूरा गटर बंद है हमारा। अच्छा अरु तुम तो बाद ही नहाना करो, शादियों से आने के बाद जब तुम मेकअप धोती हो ना, मुंह धोती हो तो वो जो गटर बंद हो जाता है सिंक का, इतनी मोटी लेयर मेकअप की जब तुम धोती हो तो गटर बंद हो जाता है सिंक का, 2-2 हफ्ते में वजू नहीं कर पाता भाई। अच्छा अरूप वही जुगे जो तुमने मुझे लगाई है, अगर मैंने लगा दी तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है यार। अच्छा अरूप ड्रामे क्या कर रही हो भाई? मैंने खुद भी नीचे जाना, मैं कुछ खाया नहीं हुआ था, भूख लगी है। आओ साथ में चलते हैं, साथ में नीचे चलते हैं भाई, साथ में आओ जी, आओ जी, आओ जी, लेट्स गो। अम्मा जी कोई रोटी रोटी खिला दो। रोटी छोटी बोटी बना रही हूँ आपके। क्या बना रही है? उए, 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 मसाले वाली फिश है। एयर फ्राई करेंगे या डीप फ्राई? भाई आजकल जो है ना आपके भाई ने यहाँ पे एयर फ्रायर के अंदर जो है ना मच्छी छच्ची खाने की प्रोटीन बनाई हुई है पूरी। ये जो है ना मसाले से भरी हुई मछली जो है ना हम लोग बस इसके अंदर रख देंगे, ठीक है? और बस है एक ही मछली, हमने भी तो खानी है। अच्छा चले रख ले, रख ले। तो भाई मछली वगैरह हम लोगों ने रख लिया, ठीक है? अब यहाँ पे ऑन कर देंगे और भाई ट्रक करके बन जाएगा हमारा बस 10 मिनट के अंदर। और बाकी भाई तुम लोग देख सकते हो कि किचन के अंदर जो है ना हमारी काफी रोशनी रोशनी होगी, क्योंकि तुम लोग को याद होगा हमने ऊपर छतों पे बल्ब लगाए थे, तो हम लोगों ने जो है ना कुछ बचे बुचे बल्ब जो है ना इधर किचन में भी लगा लिए, तो रोशनी काफी हो गई है। ये काम अच्छा किया ना मैंने, कभी तो काम आता हूँ मैं कभी कभी। नहीं वैसे तो आपका अपना चैनल भी बथेरा है, लेकिन जब आप कहीं चले जाते हो तो अंधेरा हो जाता है, उसके लिए फिर हमने ये बत्तियां लगवाई। अम्मा समझ नहीं आई, ठंडी थी वो। अच्छा बोल सुनो। हाँ। नाना को खाना खिलाया, उनको पानी देके आओ और उनको बताओ कि नाना मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करनी है आपने, ठीक है? कहाँ जा रहा हूँ? आपका क्या पता, अभी 2 मिनट बताओ। मामा हमारी फ्लाइट है, हम जा रहे हैं। सारी रात आपको बुलाती रहती है, 7 बच्चियां करती रहती है। आज जो है ना मैं तुम लोग को मिलवा ही देता हूँ, ये है हमारी नानो। ये हमारी नानो है, कैसी है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नानो जी। प्यार नानो नहीं, सर पे नहीं प्यार देती है, दे देती है और देने वाली है। पानी दे दो, पानी आगे आ रहा है, आ रहा है। पानी दे दो, उनकी रेंज में रखो ना, हाथ सामने जाके रखो ना। अमन जी पानी दे दो। तो यही हमारी नानो है। और बहुत सारे लोग जो है ना पूछे थे कि आपकी नानो व्लॉग्स में क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं आती भाई? मेरी अम्मी बेचारी इतनी ज़ईफ, अल्लाह लोग की खतून है। शरारती वाले व्लॉग, ये लो बकरा बादाम खाओ। तो ये हैं हमारी नानो, यानी कि मेरी मम्मा की मदर, और अक्सर जो है व्लॉग्स के अंदर पीछे पीछे आ जाती हैं, कभी कैमरा घूमते हुए या कहीं ना कहीं तुम लोगों ने देखी होंगी। तो उसके बाद जो है बहुत सारे लोग मुझे जैसे कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि यार डक्की भाई वो हैं कौन, वो आपने कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो मैंने कहा आज तुम लोगों को फाइनली बता देते हैं, ये हमारी नानो है, बड़ी प्यारी सी। अम्मा आपसे बहुत शक्ल मिलती है इनकी। मैं उनकी बेटी। तो नानो जो है हमारी बहुत अच्छी है, 90 ईयर्स की है नानो। 90 भाई क्या उम्र अभी 90 की है। मुझे याद है हम लोग छोटे छोटे थे तब नानो जो है अभी थोड़ी हेल्दी थी। चल हाँ, लेती क्या कह रही है? थक गई वो कह रही है कि क्या कैमरा लेके ले आया है। इसलिए हम लोग जो है ना ज्यादा व्लॉग नहीं लेके आते, क्योंकि वो परेशान हो जाती है कि यार ये क्या कैमरा पकड़ के जो है ना फटाफट पागल वाली हरकतें कर रहा है। तो इसलिए जो है वो आगे भी जरूरी नहीं है कि व्लॉग में आएंगे, लेकिन मैंने कहा इंट्रोड्यूस कर देते हैं नानो जी को। सब्सक्राइबर्स को हेलो बोल दें। हेलो सब्सक्राइबर नो सलाम कर दियो। चलो बाय बाय कर दो। 6 मिलियन सब्सक्राइबर तो आनो देख रहे ने। फजूल बर्गर पंजाबी तुम्हारी। बाय बाय करो फ्रेंड्स के लिए। हाय हाय कर दें। देखो नानो जी ने सलाम दे दिया सबको। और ये भी वजह है कि अक्सर तुम लोग कहते हो कि यार जब आप बाहर घूमने आते हो तो मामा बाबा को भी साथ लेके जाया करो, लेकिन मामा के पास जो है ना फिर नानो है और वो जो है ना फिर उन्होंने ख्याल रखना होता है उनका, तो अभी जो है ना मामा का ट्रैवल मुश्किल है। अभी कोई देखते हैं, कोई मुनीब को काम शाम पे लगाते हैं, जब मुनीब को थोड़ा संभालना देगा ना फिर मामा को कहेंगे 5-6 दिन के लिए हमारे साथ आ जाए। लेकिन अभी जो है मामा का जाना मुश्किल है, क्योंकि नानो का उन्होंने फिर ख्याल रखना होता है और नानो जी भी हमें जो है प्यार श्यार देके जाती है जब हम निकलते हैं, तो लेकिन व्लॉग में कम ही आती है। तो आज जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देते हैं नानो जी का। नानो तुम्हें मुंह नहीं दिखा रही।
क्या तुम्हें मुंह भी नहीं लगा रही, वो तब से देख रही क्या बोली जा रहा है। इसलिए हम लोग ज्यादा ब्लॉग नहीं लिखा था क्योंकि उनको समझ नहीं आती ना कि हो क्या रहा है। तो मेरी नानो का जो है फुल नेम है हमीदा मजीद, और अब उन्होंने आराम करना है। सारे मिलके जो है मेरी नानो के लिए दुआ कर दें, उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, ठीक है, और इंशाल्लाह अच्छा अच्छा जो है वो मम्मा और नानो आपस में टाइम गुजारें। आमीन इंशाल्लाह। अभी तकरीबन 10 साल पुरानी बात है, मेरी नानो जो है ना काफी हेल्दी थी और हम छोटे छोटे थे तो वो चल फिर भी सकती थी। तो मुझे याद है नानो जो है हमें बड़ा डांडा करती थी किचन से, फ्रिज से। हम लोग चॉकलेट वगैरह जो है ना, केचप वगैरह, चॉकलेट स्प्रेड, न्यूट्रेला वगैरह चम्मच मार के खा देते तो नानो हमें बड़ा डांटती थी। नानो के साथ बड़ी यादें हैं हमारी। आराम करें, वो भी कह रही कितना तंग कर रहा है मुझे। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर। हम भी सोने जा रहे हैं। असल में मेरी नानो को समझ आती है कुछ चीजें और वो उस चीज का जवाब भी देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सलाम करो तो वो सलाम का जवाब देती हैं, अगर उनको भूख लगी हो तो वो खाने का कह देती हैं कि उनको खाना खाना है, ऐसा कुछ। अभी भी देखो जिस तरह वो कह रही हैं कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा उनको स्लो स्लो समझने में। और ऊपर से अगर फॉर एग्जांपल अभी उनको आराम करने का दिल कर रहा, सोने का दिल कर रहा, तो उन्होंने देखा होगा मेरी नानो ने जो है मुझे मामा को बोला है कि लटा दे, तो वो इतना इनको छोटा मोटा जो है ना अच्छा आता है। बाकी इसलिए हम लोग कैमरा शैमरा ज्यादा नहीं लेके आते कि मतलब घबरा ना जाए या मतलब ऐसा कुछ। कभी कभी चलो ऐसा कोई ओकेजन हुआ तो ले लिया करेंगे, लेकिन अब तुम लोग भी ठंडे हो गए होगे क्योंकि पीछे पीछे नजर आते रहते, तो तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन भर देते हो कि वो है कौन, तो ये मेरी नानो है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती, ख्याल रखें, आप भी सो जाएं। नहीं नहीं, सो जाएं। हमारी जो है मछली भी बन चुकी है भाई, खानी है। हाँ, खाऊंगी। ओए होए होए भाई, एयर फ्राई में सही बनती है। तो मछली वगैरह खाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है भाई। और भाई बड़ा टाइम हो गया हमारा जो है ना, कोई रेनोवेशन नहीं हो पा रही यार, गंद बढ़ता जा रहा है यार, कोई मिस्त्री नहीं है यार काम करने के लिए यार। ये वाली ट्रेडमिल जो है ना हम लोग कर रहे हैं सेल, क्योंकि इस्तेमाल ज्यादा होती नहीं है। तुम लोगों को ही पता है आपका भाई फिटनेस किंग है, बाहर जाके जो है जॉगिंग करनी होती है, घर में ट्रेडमिल नहीं रखते हमसे जाके। तो ये जो है कल आके बंदा ले लेगा, इसका सौदा हो गया 200 रुपए का। लेकिन अगर तुम लोगों में से भी कोई हमारी ये ट्रेडमिल लेना चाह रहा है तो मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। शीशा कंडीशन ब्रांड न्यू ट्रेडमिल है, जीरो स्क्रैचेस, कोई इसके अंदर डैमेज नहीं है, बिल्कुल जुड़ी हुई है, टूटी तो ये बिल्कुल भी नहीं हुई, इसकी मोटर बिल्कुल ठीक ठाक है, कहीं से भी ये डैमेज नहीं है, ठीक है, शीशा कंडीशन ब्रांड न्यू ट्रेडमिल। जो भी ट्रेडशीट अंदर करना चाहता है ले सकता है मेरे से, शुक्र बिल अपनी तरफ। ये कल जो है ना चले जाएगी, इसका सौदा हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ना कोई थोड़ा बहुत यहाँ पे सेटिंग वेटिंग करते हैं। मुझे पता तुम लोगों को मैंने बड़ी देर से रोला डाला हुआ है कि रेनोवेशन, मेरे ख्याल से पीछे लग के काम करना पड़ेगा भाई लोगों के। फिलहाल जो है मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। आई नो छोटा सा व्लॉग था, कभी कभी छोटा व्लॉग, कभी कभी लंबा व्लॉग, दोनों की आदत डाल लो ना यार। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डकी बाय व्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लेना। मेरी नानो से भी तुम लोगों ने मिल लिया है, अब जरूरी नहीं है कि वो हर वक्त व्लॉग में आया करेंगी, कभी कभी वो घबरा जाती हैं कैमरा देख के, लेकिन कभी चांस हुआ, कभी अगर अच्छा फील कर रही हूं तो हम ले भी आएंगे, कोई मसला नहीं। लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के डक्की भाई व्लॉग गैंग को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं कल, ओके।